अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी बहन शुमाला इरम और आप देख रहे हैं कुकिंग बाय शुमाला इरम। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी ऑफ अरेबियन फूड लेकर आई हूं, जो कि उजी राइस के नाम से फेमस है। और इंडिया और पाकिस्तान में यह रेसिपी पर्दा बिरयानी या फिर पोटली बिरयानी के नाम से जानी जाती है। जब आप इस रेसिपी को बनाओगे ना, तो हर कोई हैरान हो जाएगा कि ये आपने क्या बनाया है। ये देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के फटाफट से प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो उजी राइस या फिर उजी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पर्दा तैयार करना होगा, और पर्दा तैयार करने के लिए हमें पहले डो तैयार करनी होगी। तो हम यहाँ पर 1 किलो बिरयानी के लिए पर्दा तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मेजरिंग कप से 4 कप मैदा लेंगे और सेम लाइक पिज़्ज़ा डो की तरह हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कोई इस तरह का बर्तन या फिर बाउल ले लेंगे, लेकिन हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए हमें इस तरह का बर्तन ही चाहिए होगा। तो फिर हम इसमें डालेंगे 4 कप ऑफ मैदा, और मैदा डालने के बाद फ़ौरन से हम इसमें ईस्ट डाल रहे हैं 2 टीस्पून, एंड ईस्ट के बाद हम इसमें डालेंगे सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो हमने यहाँ पर 2 टीस्पून ईस्ट लिया था, तो 2 टीस्पून ही हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। और अब हम इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और इसे भी अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जो ईस्ट यहाँ पर यूज़ किया है वो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, और अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट नहीं है तो फिर आपने आपका जो ईस्ट है उसको शुगर के साथ लिक्वॉर्म वाटर में अच्छे से डिसॉल्व करना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसी लिक्वॉर्म वाटर के हेल्प से आपने डो तैयार करनी है। तो शुगर, ईस्ट एंड सॉल्ट को मैदे में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और इसे भी एक स्पैचुला के हेल्प से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा लिक्वॉर्म वाटर ऐड करके हम एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम डो पे थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करेंगे और इसको अच्छे से मालिश करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उस बाउल को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे, और ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम डो को इस बाउल में रख देंगे कवर करके 2 घंटे के लिए, और 2 घंटों में हमारा जो डो है वो अच्छे से राइज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टेप है चिकन तैयार करना, यानी कि अखनी तैयार करना। तो उसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, और उसे हमने स्लाइसेस में कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है, और साथ ही हमने 1/2 लीटर दही लिया है, और 5 से 6 हमने अनियन लेकर उसे स्लाइसेस में कट करके कैरमलाइज्ड कर लिया था, और 1.5 टीस्पून हमने लिया है इलायची पाउडर, और जायफल जावित्री पाउडर लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर लिया है हमने 2 टीस्पून, एंड सफ़ेद ज़ीरा यानी कि शाह ज़ीरा लिया है 1.5 टीस्पून, और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और ड्राई पुदीना मेरे पास था अवेलेबल तो मैंने वही ले लिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो यूज़ करें। चिकन को कुक करने से पहले हमें उसे मैरिनेट करना होगा, तो उसके लिए हमें एक बड़ा सा बर्तन चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर वही पैन ले लिया है जिसमें मैंने आगे चिकन को कुक करना है, तो उस पैन में मैंने चिकन डाला है, एंड चिकन डालने के बाद हम उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और फिर हम ऐड करेंगे जायफल जावित्री पाउडर, इलायची पाउडर और शाहजीरा पाउडर, और लास्ट में ड्राइड पुदीना, और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं योगर्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे फ्राइड अनियन, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 घंटों के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे कम से कम 1/2 घंटे के लिए लाजमी रखें, और जब भी अच्छे से कुक हो जाए तो हम इसमें ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए।
तो तकरीबन 2 घंटों के बाद चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हमें इस चिकन को कुक करना होगा। तो मैंने पैन में इसको मैरिनेट किया था, इसलिए मैं इसी में ऑयल डाल के इसे कुक कर लूँगी। तो ये कुक होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे, यानी कि कुक करेंगे, बिकॉज चिकन हमारा बहुत ही जल्दी से कुक हो जाता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे साइड पे कर देंगे। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि राइस को बॉईल करना। तो उसके लिए हमने 1 किलो राइस लेकर उसे वॉश करके हमने अच्छे से भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब हम इसे बॉईल करेंगे। उसके लिए हमने अदहन के लिए पहले पानी लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम उसके बाद ऐड करेंगे खड़े मसाले। और खड़े मसालों में हमने लिया है शाहजीरा लिया है 2 टीस्पून, और दो हमने इलायची लिए हैं, 2 हमने स्टार फूल लिए हैं, और 4-5 हमने खलमी ली है, और 2 लौंग ली हैं। तो खड़े मसालों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल हमने इसलिए ऐड करना है ताकि हमारे जो राइस है वो नॉन स्टिकी बने। और अगर आप फर्स्ट टाइम बासमती राइस बना रहे हो तो फिर आपने इसमें विनेगर भी ऐड करना है ताकि आपके राइस टूटे ना। तो हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राइस शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आपने राइस ऐड नहीं करना है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी में ऐड करोगे तो आपके राइस जो हैं वो टूट भी सकते हैं। तो इन राइस को हमें सिर्फ 90% बॉईल करना है। तो 5 से 7 मिनट में हमारे जो राइस हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो राइस मेरे यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे छान लेंगे एक स्ट्रेनर की हेल्प से। तो हमारा राइस भी रेडी है, हमारा चिकन भी रेडी है। तो अब हम डो चेक करेंगे कि अच्छे से राइस हुआ है या नहीं। तो राइस होके हमारा डो डबल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस डो से हम पर्दा तैयार करेंगे और इस पर्दे में हम बिरयानी के लेयर्स लगाएंगे। तो लेयर्स लगाते वक्त हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी ही हम तैयार करके रख लेंगे। तो 4 eggs लेकर हम उसे बॉईल करके इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे, और कोरिएंडर लीव्स को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ग्रीन चिलीज को भी चॉप कर लेंगे, और टमेटोज को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब हम डो से एक बड़ा सा पर्दा तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर काउंटर को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है 5 से 7 बार, और फिर अब हम उसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। और मैदा डस्ट करने के बाद हम इस डो को अच्छे से पंच करके सारा जो एयर है इसमें से वो निकाल देंगे। और फिर हम उससे एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसे हम इस तरह से सरफेस पर रख के थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और बेल लेंगे। डो आपकी इसी तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपकी डो होगी तो फिर बेलते वक्त ये टूट जाएगी। तो हमारा पर्दा रेडी हो चुका है, अब हम उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमें जो वेसल में डालना है इसे उसमें डालना थोड़ा इजी हो जाए। और इसे अब हम साइड पे रहने देंगे। फिर हम एक वेसल लेंगे और इस वेसल में हमने उजी राइस को बेक करना है। तो उसके पहले हम इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे और फिर हम उसमें डालेंगे कलौंजी। आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब हमने जो पर्दा रेडी किया है वो अब हमने इसमें सेट करना है। तो उसे हम इस तरह से डालेंगे और जो हमने इसको फोल्ड किया था वो खोल देंगे और उसे अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह से वेसल के शेप के हिसाब से। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है, अब हमने इसमें राइस एंड चिकन के लेयर्स लगाना है। तो सबसे पहले हम राइस की लेयर लगाएंगे इस तरह से।
तो इसे अब हम इक्वल कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे चिकन की लेयर। तो चिकन में थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए इस तरह की, आप देख सकते हैं, बिकॉज हमने राइस को फुल्ली कुक नहीं किया है, 90% ही कुक किया है। तो हमारी चिकन की लेयर भी लग चुकी है अच्छे से। अब हम इसे इक्वल करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे इस तरह से टमेटोज़। रखने के बाद हम रखेंगे एग्स और फिर हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे इस तरह से, और लास्ट में हम इस पे चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ भी डाल देंगे। अब हम राइस की सेकेंड लेयर लगाएंगे और इसे भी हम इक्वल कर देंगे, और फिर हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स एंड एग्स इस तरह से रखते जाएंगे, और फिर हम ग्रेवी की लेयर लगाएंगे, और चिकन ग्रेवी की लेयर लगाने के बाद हम इसे भी इक्वल करके इसके ऊपर फिर से राइस डाल देंगे। फिर से हम चिकन की लेयर लगाएंगे और उसे भी इक्वल कर देंगे, और फिर वेजिटेबल्स एंड एग वाली लेयर लगा देंगे, और उसके बाद हमने बचे हुए सारे राइस इसके ऊपर डाल देना है, यानी कि लास्ट लेयर ऑफ राइस लगाना है, और उसको हम कवर कर देंगे इस तरह से। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसे कवर करने के बाद हमें बेक करना होगा। तो आप अपने हिसाब से चूल्हे पर या फिर अवन में किसी भी तरह से बेक कर सकते हैं। तो हम इसे कवर करने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर देंगे, और फिर एक मैं चूल्हे पर बेक कर रही हूँ तो उसके लिए हम एक अवन वाला सेटअप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा वेसल लेंगे और उसमें हमने सॉल्ट डालना है ताकि हमारा जो बर्तन है वो जले ना, और फिर हम उसमें एक इस तरह का जाली वाला स्टैंड रख देंगे, और फिर इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे प्रीहीट होने देंगे, और 10 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से प्रीहीट हो जाएगा। तो हमारा वेसल बेक करने के लिए रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ओजी राइस वाला वेसल लेंगे और उसे इस तरह से रख देंगे स्टैंड के ऊपर, और फिर इसे हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे रहने देंगे 1 घंटे तक, और 1 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगा। तो 1 घंटा हो चुका है, आप बीच में 1-2 बार इसे चेक ज़रूर करें। तो 1 घंटा हो चुका है, ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। आप देखोगे कि ऊपर से कलर नहीं आया है, बिकॉज़ हमने इसे वेसल में रखा है और वेसल में ऊपर से हीट नहीं मिलती है, इस वजह से ऊपर से कलर नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट लेंगे और उस पर हम इसे टर्न करके वेसल को हटा देंगे। तो वेसल हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया है। तो आप ख़ुद भी यकीन नहीं करोगे कि ये आपने ख़ुद ने बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी लग रही है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।